हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पिंकी स्टेलर में। तो आज हम बता रहे हैं ब्रा स्टिचिंग। ये 42 साइज की ब्रा है। तो देखिए, कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ और आज मैं बता रही हूँ स्टिचिंग। तो यहाँ पर इस तरह से हमको सिलाई लगाना है। आप हमारे चैनल पर जाकर कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से हमने जहाँ कटिंग की थी वहाँ बीच में सिलाई लगा दी है और इसको हम बेल्ट में जोड़ेंगे। तो मैंने बेल्ट का एक हिस्सा निकाल लिया है और इस तरह से हमको इसमें सिलाई कर देना है। एक सा मिलाकर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है गोलाई में। जैसे ही बेल्ट की कटिंग है वैसे ही हमको मिलाकर सिलाई लगाते जाना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव भी दें। ये देखिए, यहाँ तक मैंने आखिरी तक सिलाई लगा ली है। जहाँ तक कुन्ना आता है वहीं तक ले जाना है हमको। इस तरह से पफ जुड़ चुका है बेल्ट में। यहाँ पर ये जो नोक आ रही है इसको भी हम थोड़ा सिलाई करेंगे तो ये कुन्ना दब जाएगा। हल्की सी गोलाई में दूर से सिलाई लगा देंगे तो ये दब जाएगा। इस तरह से निशान लगा कर दिखा देते हैं कि हमको ऐसी सिलाई लगाना है। इस तरह से सिलाई लगा देना है हमको। इसी तरह से हमको दूसरे पर भी सिलाई लगाना है। इसको हम डबल कर लेते हैं। सिलाई हमने डबल लगा दी है ताकि सिलाई खुले नहीं। इस तरह से इसके ऊपर भी एक सिलाई लगेगी। तो अभी यहाँ पर देखिए, अभी कुन्ना नहीं बन रहा है। इसी तरह से हमको दूसरा पफ भी तैयार करना है और इस तरह से पफ को हम बेल्ट में जोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों पफ तैयार कर लिए हैं और अब यहाँ इनको जॉइंट करेंगे। इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। इसको मिलाकर सिलाई लगा लेना है। तो हमको यहाँ पर सिलाई पक्की डालना है क्योंकि यहाँ जॉइंट बीच वाला जॉइंट है तो यहाँ पर सिलाई पक्की लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर खुलने का चांस रहता है। तो यहाँ पर हमने सिलाई पक्की लगाई है। इस तरह से जॉइंट हो चुका है। और अभी यहाँ ऊपर से सिलाई लगेगी तो ये हमने जो सिलाई लगा ली है वो पट्टी दब जाएगी। यहाँ भी दोनों साइड हमको ऊपर वाली सिलाई लगा लेना है।
देखिए अच्छे से पफ बनकर तैयार हो चुके हैं और अब लगाएंगे हम लास्टिक। कमर में हम लगाएंगे चौड़ी लास्टिक। तो यहाँ से उल्टे साइड रखते हैं हम लास्टिक को। देखिए पहले नाप लेते हैं। हमको 36 कमर चाहिए। तो इतना ज़्यादा है तो हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। डबल में 18 पर कटिंग कर रहे हैं हम। और अब इस तरह से हम उल्टे साइड में रखेंगे लास्टिक। देखिए किस तरह से लास्टिक लगाना है। लास्टिक रखकर पहले थोड़ी सी मोड़ना है पट्टी और फिर उसको पूरा मोड़ देना है ताकि लास्टिक कवर हो जाए। इस तरह से लास्टिक को पूरा ढक देना है। और इसी पर सिलाई लगा लेंगे। लास्टिक को खींच कर रखना है। लास्टिक को हमको अपनी तरफ खींचना है। और पट्टी में उसको मोड़ते जाना है। इस तरह से पीछे वाला हिस्सा इस तरह से पीछे खींचना है क्योंकि लास्टिक है तो हम आगे की ओर खींचेंगे तो वो आगे की ओर ही खींचेगी। कपड़ा भी आगे की ओर खींचने लगता है तो हमको पीछे की तरफ सिलाई लगाकर पीछे की तरफ खींचते जाना है सिलाई लगाते समय। तो यहाँ पर कमर 36 है तो मैंने 36 में से 3 इंच लास्टिक कम ली है। मैंने लिए है 33 इंच लास्टिक चौड़ी वाली। आप अपनी कमर के हिसाब से लास्टिक ले सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में साइज लिखकर बता सकते हैं तो मैं उस साइज की ड्रा बनाने की कोशिश करूँगी, वीडियो डालूँगी। इस तरह से एक सिलाई लग चुकी है और हम लगाएंगे दूसरी सिलाई। और अब भी हमको इस तरह से कपड़े को खींच कर रखना है आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी। आगे की तरफ हमको खींच के रखना है और पीछे की तरफ खींचते जाना है। इस तरह से हमारी लास्टिक लग चुकी है। और अब लगाएंगे हम पतली वाली लास्टिक। तो ऊपर की साइड लगना है और पूरे में ही लगा देना है हमको लास्टिक। आप चाहें तो बिना इलास्टिक की भी पाइपिंग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इलास्टिक लगा रही हूँ। कमर में मैंने चौड़ी इलास्टिक लगाई है और ऊपर की साइड लगा रही हूँ मैं पतली वाली इलास्टिक। इस तरह से लास्टिक को अंदर कर देना है और कपड़े को मोड़ते जाना है। और जैसे ही हमने नीचे वाली लास्टिक लगाई है आगे की तरफ लास्टिक खींचकर और पीछे की तरफ भी कपड़ा को खींचकर
सिलाई लगाना है। इसी तरह से लगाते जाना है। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किसी भी साइज की ब्रा कटिंग या स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। इस तरह से हमको इलास्टिक लगाते जाना है। पीछे से कपड़े को खींचते जाना है। ऊपर वाली इलास्टिक लगाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर लगने पर बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल रेडीमेड ब्रा जैसा ही लुक आएगा इसका। बहुत सुंदर लगती है ये बनने पर। अच्छी तरह से इसको मोड़ते जाना है ताकि इलास्टिक खुली ना रहे। इलास्टिक को अंदर करते जाना है कपड़े के अंदर। और इसी तरह से हमको सारी सिलाई लगाते जाना है। इलास्टिक को अच्छी तरह से खींच के रखें वरना लूजिंग आ जाएगी। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका। और ये देखिए मैंने दोनों साइड इलास्टिक लगा दी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड इलास्टिक लगा ली है। ये देखिए मैंने इसी तरह से इस फैब्रिक में भी बनाई है ब्रा। तो इसी तरह आप भी किसी भी साइज की बना सकते हैं। इसमें हुक और आई भी अटैच हो चुके हैं। देखिए इसी तरह से मैंने इलास्टिक लगाई है। कंधे पर भी इलास्टिक लगी और नीचे भी इसी तरह से मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए ये भी मैंने अभी बनाई हुई है। और अब मैं बनाऊँगी पट्टी जो कंधे पर आती है, वही पट्टी है ये। इसमें लगाऊंगी मैं इलास्टिक। तो यहाँ मैं पहले इसको डबल करके इसमें सिलाई लगा देती हूँ जितना कि हमारी इलास्टिक इसके अंदर चली जाए। इतनी दूरी से हमको सिलाई लगाना है। इलास्टिक की चौड़ाई नाप कर सिलाई लगाएं।
ताकि इलास्टिक उसमें आराम से बैठ जाए। इसको हम सीधा करके इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए मैंने सुई में धागा डाल दिया है और हम इसको सुई की मदद से ही इसको पलट लेंगे। पलट कर उसमें हम इलास्टिक डाल देंगे। ये देखिए किस तरह से हमको इसमें फंदा लगाना है। मैंने एक बार टच कर लिया है और दोबारा भी दो टच लगाकर हमको सुई को इस तरह से उल्टा इसके अंदर डाल देना है और धागे को दूसरी साइड से खींच लेना है इस तरह से। तो ये हमारी डोरी पलट जाएगी। ये देखिए ये सीधी हो चुकी है और इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। पट्टी हमारी 14 इंच की है तो हमको इलास्टिक को छोटा लेना है। हम इलास्टिक को 2 या 3 इंच छोटा लेंगे। अभी मैंने इलास्टिक को कट नहीं किया है, मैं पहले इसमें बीच में सिलाई लगा दूंगी और इलास्टिक को पूरा खींचूंगी। जितना भी खींचे वो उसको पूरा खींचना है और जहाँ तक हमारी पट्टी है वहाँ तक उसको खींच के रखना है। उस पट्टी में खींचने पर जितनी भी इलास्टिक लगेगी मैं उतने पर ही सिलाई लगा दूंगी और बाद में उसको कट कर दूंगी। देखिए हमारी इलास्टिक इतनी लग चुकी है और मैंने इसको कट कर दिया है और ये हमारी कंधे वाली पट्टी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं बीच का सेंटर निकाल लेती हूँ। पहले जो हमारी बीच की सिलाई है उसके आगे ही हमको इस तरह से पकड़ कर यहाँ पर बद्दे अटैच कर देना है। इसको हम सिलाई लगा देंगे, सिलाई को पक्का करना है। इस तरह से देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, कंधे पर भी लगा दी और मैंने पीछे साइड भी बद्दी अटैच कर दी है। देखिए कितना प्यारा लुक आया है इसका। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी